सो गाइज, विजनरी वर्सेस ऑलमाइटी, लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। ऑलमाइटी वर्सेस फॉरवर्ड थंडर, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो ऑलमाइटी प्लस थंडर कोई सी भी आप ले सकते हो ऐसे तो। और क्योंकि मैंने थंडर के साथ इसीलिए कंपैरिजन नहीं किया कि ऑलमाइटी और थंडर सेम मतलब चीज़ों के साथ आती हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर ये देख रहे हो कंपैरिजन वैसे भी, तो आप ये समझ सकते हो ऑलमाइटी की जगह थंडर भी रख सकते हो वैसे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं दोनों ही वॉचेस की। दोनों ही फायरबोल्ट की तरफ से आती है और दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक आपको एप्पल लुक के साथ आती है, आपको स्पोर्टी लुक के साथ आती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वॉच चाहिए। दूसरा, आपको एक सर्कुलर डायल में वॉच चाहिए या स्क्वायर डायल में वॉच चाहिए, तो आपको ये डिसाइड करना है। देन आप इस कंपैरिजन को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। यहाँ पे 1.78 इंच की लार्ज डिस्प्ले मिलती है। ऑलमाइटी में भी लार्ज डिस्प्ले मिलती है 1.4 इंचेस के करीब करीब। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। पिक्सल साइज ऑलमाइटी में बहुत ही ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू विजनरी, बट अगेन बहुत ज़्यादा बेटर, और विजनरी में बहुत ज़्यादा बेटर, ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर डायल में वॉच है ऑलमाइटी और विजनरी आपकी स्क्वायर डायल में है। और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे किसकी कलाई पे ज़्यादा बेटर लगेगी। थिन टू मीडियम टू लार्ज वेस्ट के लिए विजनरी अच्छी है, क्योंकि मैंने इसको अपने मीडियम वेस्ट पे देखा तो अच्छी लग रही है। ज़्यादा थिन वेस्ट है तो मैं रिकमेंड नहीं करता, बट यहाँ पे ये ओवरऑल चौड़ी बनाई गई है वॉच, जिसकी वजह से लुक अच्छा देती है। ऑलमाइटी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता मैं आपको थिन वेस्ट के लिए बिल्कुल भी, ऑड लगेगी। बड़ी वॉच है ये, ऑब्वियसली बात है, हाथों के लिए। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों मिलते हैं, रेज टू वेक भी देखने को मिल जाता है। दो आपको वॉचेस मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन वाले, एक लिस्ट एक बात मतलब एनलॉग वाला और एक आपका डिजिटल वाला। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है विजनरी में। ऑलमाइटी में तो रिंग दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, तो अच्छी बात है। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है, शार्पनेस बेटर है यहाँ पे। ऑलमाइटी में 459 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस है और 500 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है ऑलमाइटी में। विजनरी में 550 निट्स की है, तो सनलाइट विजिबिलिटी दोनों की अच्छी है। 550, 600 या 500, 550 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर साइड बाय साइड देखोगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। हाँ, बस 100 अगर निट्स का अंतर होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को लग सकता है। बात करें यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। इनबिल्ट वॉच फेस भी मिल जाते हैं आपको करीब करीब 8 से 10, और उसी के साथ साथ लाइव वॉच फेस का ऑप्शन तो नहीं है, बट एनालॉग वाले वॉच फेस देखने को जरूर मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो विजनरी यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन आगे आती है। 100 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, ऑलमाइटी में सिर्फ 11 ही मिलते हैं आपको। IP68 की रेटिंग के साथ आती है विजनरी, ऑलमाइटी आपकी IP67 की रेटिंग के साथ आती है। 85% तक की एक्यूरेसी मिलती है विजनरी में, सेंसर सेक्यूरेटली काम करते हैं, और ऑलमाइटी में आपका 80% तक की एक्यूरेसी मिलती है। उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है, वाइब्रेशन तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो, नंबर को सेव कर सकते हो, 8 से 10, 20 कॉन्टैक्ट तक सेव कर सकते हो। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कन्वर्ट टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें मिल जाती है दोनों में ही। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 यूज़ किया गया है। साथ में अगर और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, जहाँ पे विजनरी बहुत आगे निकल जाती है, यहाँ पे सॉन्ग स्टोरेज, कैलकुलेटर और TW स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। ऑलमाइटी में आपको वॉइस असिस्टेंट ही मिलता है, यहाँ पे आपको TW स्पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये ऑलमाइटी में कमी है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, आप आराम से दाफिट एप्लीकेशन से पेयर हो जाती है। बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं विजनरी हमारी आगे है, क्योंकि इसके हार्डवेयर में सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, ऑलमाइटी में सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन नहीं है। इवन तो हार्डवेयर सेम ही है, कस्टम UI यूज़ किया गया है, एक iOS वाला और एक लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है। उसी के साथ साथ ड्यूल बटन कंट्रोल मिलता है और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अपना लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। विजनरी में तो क्राउन वर्किंग है, ये मेरे को बहुत ही बेटर लगा। और बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं 240mAh दी गई है ऑलमाइटी की, विजनरी की 300mAh दी गई है। 7 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर विजनरी, ऑलमाइटी 10 डेज का क्लेम करती है। उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट दोनों मिल जाता है, और एक्चुअल यूज़ की बात में करें तो 6 डेज का बैटरी लाइफ मिलता है, बट अगर आप फिटनेस वॉच की तरह यूज़ कर रहे हो, बट कॉलिंग वॉच की तरह यूज़ कर रहे हो, तो 1.5 से 2 दिन चल सकती है आपकी वॉच। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो अराउंड आपकी वॉच चल सकती है 2 से 2.5 दिन। मेरी 3 दिन चल जा रही है ये जो विजनरी है, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे मेन फीचर्स की। HR मॉनिटर मिल जाता है, SP2L मॉनिटर का ऑप्शन है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, ये सब चीज़ें। और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग तो है ही है एड ऑन। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग अगर आपको वॉच में ना मिले तो आप एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन में जाके अदर फीचर्स में जाओ, अदर फीचर में सबसे लास्ट में जहाँ वेदर फोरकास्ट है उसके नीचे लिखा होगा फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, अच्छा खासा यूज़ किया गया है, और वॉच का जो वेट है ऑलमाइटी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विजनरी। आपको लगेगा, फील होगा हाथों में कि ऑलमाइटी ज़्यादा हैवी है। एप्पल टाइप के स्ट्रैप मिलते हैं विजनरी में, चेंजेबल है, बट आपको 22mm एप्पल वाले यूज़ करने पड़ेंगे आफ्टर मार्केट का, आप देख लेना एक बार ट्राई करके। और ऑलमाइटी में तो आफ्टर मार्केट के 22mm कोई से भी चल जाएंगे। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है विजनरी में, और ऑलमाइटी में TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो मेरे को ज़्यादा स्किन फ्रेंडली लगा विजनरी का स्ट्रैप।
वॉच डायल मेटल है, दोनों में ही बेस वैल्यू कारमेट है, तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी समझौता नहीं किया गया कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी नहीं मतलब प्राइसिंग की, और साथ में मेन जो खरीदें किस वॉच को। देखिए यहाँ पे ऑलमाइटी 4000 रुपये की मिल रही है, ऑन ऑफर चल रही है अभी, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो 4000 रुपये मिल रही है फ्लिपकार्ट की, मतलब फायरबोल्ट की वेबसाइट पे। विजनरी आपकी 3800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, ये आपको ऑन सेल मिल रही है अमेजोन पे इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ज़्यादा फीचर्स चाहिए आपको, एप्पल का लुक चाहिए आपको, स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा चाहिए आपको, TWS पेयरिंग का ऑप्शन चाहिए आपको, सॉन्ग स्टोरेज चाहिए आपको, विजनरी आपके लिए बेटर है। हल्की सी एक्यूरेसी भी इसमें ज़्यादा आपको मिल जाती है, तो गाइज विजनरी ही आपके लिए बेटर है, क्राउन वर्किंग है इसमें। ऑलमाइटी स्पोर्टी लुक के साथ आती है आपको सर्कुलर डायल में, ज़्यादा फीचर्स आपके लिए मैटर नहीं करते, आपको सॉन्ग स्टोरेज करने का ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप ऑलमाइटी के लिए जा सकते हो स्ट्रेट अवे, बट ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, इनहैंड फील देती है आपको विजनरी। विजनरी आप पहन के निकलोगे लोग ये सोचेंगे आपने एप्पल की वॉच पहन रखी है। तो गाइस स्ट्रेट अवे विनर है हमारी विजनरी, और मेरे को विजनरी अभी अच्छी लगी है, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है। आई नो ऑलमाइटी की भी डिस्प्ले क्वालिटी सिमिलर ही है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं अभी हाइप जो है बहुत ज़्यादा विजनरी की है। विजनरी यहाँ पे लाइमलाइट को बटोर रही है बहुत ज़्यादा, तो इस कंपैरिजन में भी विजनरी हमारी जीत जाती है। वैसे आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किसी वॉच का कंपैरिजन भी चाहिए तो बोल देना मेरे से, मैं कोशिश करूँगा लेके आने की। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और स्लाइड्स बनाने की, और धीरे धीरे मैं कंपैरिजन खत्म करता जाऊँगा लाते लाते। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।